कनक कनक पे सौ गुनी मादकता अधिकार, यही खाए बोरा है नर यही पाए बोरा है। अर्थात जी इस कविता में कहा गया है दोहे में कि कनक एक सोने को भी बोला जाता है, धतूरे को भी कनक बोला जाता है। तो एक सोना होता है जिसको पा के लोग पागल हो जाते हैं और एक धतूरा होता है जिसे लोग खा के पागल हो जाते हैं। इसलिए इसने दोहे में कहा गया कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यही पाए बोरा है नर यही खाए बोरा है। अर्थात वही सोना और धतूरे का उदाहरण दिया गया है इसमें। और दूसरा है ये साड़ी बीच नारी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इसमें एक अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक ही वर्ड को कई बार अलंकार को भी बोध करता है हिंदी के ग्रामर अलंकार। और दूसरा इस दोहे का मतलब है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो लोग सोचते थे कि औरत है कि साड़ी है, साड़ी के बीच में औरत है कि औरत के बीच में साड़ी है, साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही औरत है कि औरत ही साड़ी है, इसमें इस दोहे में कहा गया है। और चंदू की चाची ने चांद निरात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये भी एक दोहा है, ये एक अलंकार को बोध करता है हिंदी ग्रामर में चांदी अनुप्रास अलंकार।